आप सभी को जय मसीह की। द बाइबल पोर्शन में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है उत्पत्ति की पुस्तक 14 अध्याय वचन 13 से 24। तब एक जन जो भागकर बच निकला था, उसने जाकर इब्री अब्राम को समाचार दिया। अब्राम तो एमोरी ममरे जो एशकोल और आनेर का भाई था, उसके बांज वृक्षों के बीच में रहता था, और ये लोग अब्राम के संग वाचा बांधे हुए थे। यह सुनकर कि उसका भतीजा बंदी बना लिया गया है, अब्राम ने अपने 318 शिक्षित युद्ध कौशल में निपुण दासों को लेकर, जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे, अस्त्र शस्त्र धारण करके दान तक उनका पीछा किया, और अपने दासों के अलग अलग दल बांधकर रात को उन पर चढ़ाई करके उनको मार लिया, और होबा तक जो दमिश्क के उत्तर की ओर है उनका पीछा किया। और वह सारे धन को और अपने भतीजे लूत और उसके धन को और स्त्रियों को और सब बंदियों को लौटा ले आया। जब वह कदोरला उमेर और उसके साथी राजाओं को जीत कर लौटा आता था, तब सदोम का राजा शावे नामक तराई में, जो राजा की तराई भी कहलाती है, उससे भेंट करने के लिए आया। तब शालेम का राजा मलिकी सिदक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाखमधु ले आया, और उसने अब्राम को यह आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो, और धन्य है परम प्रधान ईश्वर, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। तब सदोम के राजा ने अब्राम से कहा, प्राणियों को तो मुझे दे और धन को अपने पास रख। अब्राम ने सदोम के राजा से कहा, परम प्रधान ईश्वर यहोवा, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, उसकी मैं यह शपथ खाता हूँ कि जो कुछ तेरा है, उसमें से न तो मैं एक सूत और न जूते का बंधन, न कोई और वस्तु लूंगा, कि तू ऐसा न कहने पाए कि अब्राम मेरे ही कारण धनी हुआ। पर जो कुछ इन जवानों ने खा लिया है और उनका भाग जो मेरे साथ गए थे, अर्थात आनेर, एशकोल और ममरे, मैं नहीं लौटाऊंगा, वे तो अपना अपना भाग रख लें।